आइए दोस्तों, आपको लिए चलते हैं बूंदी, जो कि शहर है कुंड बावड़ियों, झीलों और छतरियों का। ये है मानसून सीजन और हम चल रहे हैं NH 52 से बूंदी की ओर, जो रास्ता देवपुरा होकर बूंदी जाता है। बारिश का सीजन, आनंद का सीजन, खुशियों का सीजन, पिकनिक मनाने का सीजन, और इस बार तेज बारिश ने खूब भर भर कर पानी दिया है बूंदी वासियों को, हाड़ौती वासियों को। हाड़ौती में हर ओर सावन के बादल झूम कर बरस रहे हैं। शुक्रवार देर रात से शनिवार सुबह 7 बजे तक हुई बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। बूंदी में 10 इंच, कोटा में 6 इंच बारिश हुई है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं गढ़ पैलेस के सामने, और यहाँ पुरानी कुछ हवेलियों के खंडहर बचे हुए हैं, नवल सागर का बड़ा सुरम्य दृश्य है। पानी की अधिकता होने से नवल सागर, जेत सागर सभी बड़े बांधों के गेट खोले गए हैं। कोटा में कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध, इनके भी गेट खोले गए हैं। इससे पानी की अधिकता हो गई है। शहरों में आम जनजीवन, जो कि यातायात पर आधारित है, लोग अपने 2 जून की मजदूरी करने के लिए, 2 समय की रोटी कमाने के लिए अपने घरों से निकलते हैं, और रात रात में इतना पानी आ चुका है कि यहाँ से दुपहिया वाहन, स्कूटी, मोपेड को निकालना नामुमकिन है। यहाँ तक कि मोटरसाइकिल और कारों के निकलने में भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से उस लोग अपने साथियों की सहायता कर रहे हैं उनकी बंद पड़ी गाड़ियों को निकालने के लिए। ये नैनवा रोड का दृश्य है। 15 अगस्त शाम को 6 बजे यहाँ से आवक जावक बंद कर दी गई थी, क्योंकि जेत सागर के गेट खोलने के कारण यहाँ का नाला उफान पर आने से पुल के ऊपर से होकर गुजर रहा था। यहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं निकलने दी जा रही थी। प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाकर यह कार्य किया है। हर ओर पानी ही पानी है। बूंदी की हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर आपको यही दृश्य देखने को मिलेगा। पानी की आवश्यकता हम सभी को होती है, और पानी के बिना हम दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। लेकिन अब की बार जो पानी बरसा है वह एक आफत बनकर बरसा है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। लोग अपने दुकानों, अपने दफ्तरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बूंदी जिले में सभी सरकारी और निजी विद्यालयों की छुट्टी कर दी गई है, जिससे कि बच्चों को सुविधा हो सके। पुलिस प्रशासन हर प्रकार से प्रयास कर रहा है लोगों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने के लिए। बूंदी में ये बहादुर सिंह सर्कल के पास का दृश्य है। बहादुर सिंह सर्कल पर पूरा पानी से लबालब भरा होने के कारण एक तालाब जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है। हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है, और लोग अपनी गाड़ियां या तो बंद करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या उनकी गाड़ियां इस ज़्यादा पानी होने के कारण बंद पड़ गई हैं। केवल ये वही लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। उनके रिश्तेदार, उनके नाती पोते, उनके घर में उनके परिजनों से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वे कहां तक इंतज़ार करेंगे। पुलिस लाइन की ओर एक तालाब जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है। ये पुरानी बूंदी का दृश्य हम आपको दिखाने ले जा रहे हैं। देखिए, ये पुरानी बूंदी में चौमुखा बाजार का दृश्य है, जहां बारिश के दिनों में पहाड़ों का पानी नागदी नदी के रूप में निकलता है, और लोग यहां पर देख रहे हैं
चार चार छः छः फीट पानी यहाँ पर भर रहा है और उसी के अनुसार यहाँ पर लोगों ने दुकानें बनाई हुई हैं। ये एक प्राकृतिक प्रकोप के रूप में है, ये किसी और गली का दृश्य है पुरानी बूंदी में ही, जहाँ पानी के बहाव के साथ लोगों के वाहन भी बहे जा रहे हैं और प्रकृति के प्रकोप के सामने हम बहुत तुच्छ महसूस करते हैं अपने आप को। और इस अधिक बारिश के कारण सड़कों पर लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें विज्ञान विहान, हम आपके लिए इसी प्रकार के और नए न्यूज़ वीडियोस लेकर आते रहेंगे। थैंक। ये देखिए, बड़ा नया गाँव के पास जो NH 52 का एक हिस्सा है, यहाँ पर एक बस पलट गई है बेकाबू होकर। इस तरह के कई एक्सीडेंट 14 अगस्त को वहाँ हुए। 6 एक्सीडेंट में कुछ लोगों की जानें भी गईं। जहाँ तक संभव हो सके बड़ी सावधानी से अपने व्हीकल ड्राइव करें, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है, जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है।